हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे SBI PO मेंस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहां पर ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन PQRSTUVW लिव्ड इन अ 8 फ्लोर अपार्टमेंट नंबर 128। मतलब 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 अपार्टमेंट हैं और हर आदमी एक फ्लोर में बैठा हुआ है। ईच ऑफ देम वॉज डिफरेंट एज, सभी की अलग अलग एज है। एंड अ हार्ट पेशेंट टू, और सभी हार्ट पेशेंट हैं। डॉक्टर वर्मा कैम एंड मेजर द हार्ट रेट ऑफ द पीपल विच कैम आउट टू बी डिफरेंट फॉर एवरी वन। तो यहाँ पे डॉक्टर वर्मा जो है सभी के हार्ट रेट चेक करते हैं और सभी के हार्ट रेट अलग अलग हैं। एंड पीपल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है एज, जैसे भी बड़ा है, सबसे बड़ा है एज में, और फिर एस, फिर पी, फिर डब्ल्यू, फिर क्यू, आर, टी, यू, ऐसे करके। और जो ये 108 दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 108 मींस हार्ट बीट ऑफ बी इज़ 108। मतलब हार्ट बीट दी हुई है 108 बी की है और एस की 89 है एंड एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले 8 फ्लोर बना लेते हैं। फर्दर इट इज़ नोन दैट 8 पर्सन हु हैड द पर्सन हु हैड सेकंड हाइजेस्ट हार्ट बीट। सेकंड हाइजेस्ट हार्ट बीट किसकी है, यहाँ पे यू की सबसे हाइजेस्ट है, फिर बी है, तो बी की सेकंड हाइजेस्ट है। बी जो है जस्ट अबव द पर्सन फॉलोज हिम अल्फाबेटिकली, मतलब बी के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आता है बी उसी के ऊपर है बैठा हुआ है। तो बी के बाद डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू के तुरंत ऊपर देखा जाए तो बी बैठा हुआ है। There were 4 people living between the one who was 4th youngest and the person with the 4th highest heartbeat rate. मतलब इसमें 4 लोग बैठे हुए हैं जो 4th youngest है और 4th highest heartbeat जिसकी है उसके बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 4th youngest कौन है, W है। 4th youngest यहाँ पर Q है, तो Q और इसमें सेकंड क्या बोला है कि 4th highest हार्ट बीट रेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं U की सबसे हाईएस्ट, फिर B, फिर T, फिर P, मतलब Q और P, P के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। वेयर द फॉर्मर लिव्ड अबव द लेटर, मतलब फॉर्मर Q की बात हो रही है और लेटर P की बात हो रही है, मतलब Q P के ऊपर बैठा हुआ है। 3rd floor वॉज द सेकंड इल्डेस्ट, सेकंड इल्डेस्ट यहाँ पे एस दिया हुआ है, देख सकते हैं, तो ये 3rd floor में एस बैठा हुआ है। द पर्सन हु हैड हाइएस्ट हार्ट बीट लिव्ड जस्ट अबव द पर्सन हैविंग हार्ट बीट ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे हाइएस्ट हार्ट बीट देखते हैं तो किसकी है, सबसे ज़्यादा हार्ट बीट यू की है। फिर ये जो है जस्ट अबव यू जो है वो जिसकी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा है, 100 प्लस है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। एंड बट जस्ट बिलो द पर्सन हैविंग हार्ट बीट लेस देन 100, मतलब 100 से कम जिसकी हार्ट बीट है उसके नीचे बैठा हुआ है, और वो भी तुरंत नीचे। नेक्स्ट क्या कहता है कि 3rd youngest पर्सन लिव्ड एन ऑड नंबर 4। 3rd youngest कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं यू भी, सॉरी यहाँ पे 3rd youngest आर है, आर जो बैठा हुआ है, आर है जस्ट बिलो द पर्सन 4th highest हार्ट बीट। तो 4th highest हार्ट बीट किसकी है, यू भी, टी और पी, पी के तुरंत नीचे बैठा हुआ है आर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, बट नॉट ऑन 7th floor। तो आर तो 7th floor में वैसे भी नहीं आ पाएगा यहाँ पे।
तो हमारे पास केवल एक इक्वेशन इसको सेट करते हैं, तो डायरेक्ट ये केवल एक ही जगह बैठ सकता है, q डैश 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 p, फिर r। अब u के नीचे v के नीचे w बैठा हुआ है, तो दो जगह बैठ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, v के नीचे w बैठा हुआ है और यहाँ पर भी वही। और बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब बोला है यू के बारे में, तो अपनी दो कंडीशन ये अप्लाई हो चुकी हैं। यू के बारे में बोला है यू के ऊपर जो है और नीचे दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो यू केवल यहीं पे हो सकता है इस कंडीशन में, और इसमें यू यहीं पे हो सकता है इस कंडीशन में। लास्ट में बचा टी, तो टी को यहाँ पर बैठा देंगे। यू के ऊपर जो है उसकी हार्ट बीट 100 माइनस होनी चाहिए, तो यू के ऊपर इस कंडीशन में देखते हैं तो क्यू बैठा हुआ है, क्योंकि हार्ट बीट 94 है, सही है। और यू के नीचे जो बैठा हुआ है उसकी 100 प्लस होनी चाहिए हार्ट बीट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यू के नीचे भी बैठा हुआ है, भी की हार्ट बीट क्या है यहाँ पर 108, मतलब ये कंडीशन अपनी सही है। अब यहाँ पर देखते हैं यू के ऊपर डब्ल्यू बैठा हुआ है, डब्ल्यू की हार्ट बीट सही है 96, और यू के नीचे एस बैठा हुआ है, एस की हार्ट बीट 89 है, जो कि यहाँ के यू के नीचे जो हार्ट बीट होनी चाहिए वो 100 प्लस होनी चाहिए, ये कंडीशन गलत हो गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जो SBI में आने वाले हैं और ख़ासकर बैंक PO के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।